राजकुमार, और आज मैं आपको बताता हूँ कि अपना जो मेल होता है जीमेल अकाउंट, उसको लॉग आउट कैसे करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं किसी फ़ोन से। जैसे हमें दूसरे फ़ोन पे अपना मेल साइन इन किए करना होता है, तो हम पहले फ़ोन से उसे लॉग आउट कैसे करते हैं, बहुत ज़रूरी होता है। अपने जो मेल है, अपना जो अकाउंट है, उसको साइन आउट करना, अन्यथा इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। दूसरा यूजर्स हमारा जो अकाउंट है उसे यूज कर सकता है और उससे कुछ भी कर सकता है। तो सबसे पहले आप अपने मेल पे आइए। मेरा मेल ये है, तो मैं मेल पे आता हूँ। ये मेरा मेल खुल चुका है। सबसे पहले मेल की ये 3 डॉट ऑप्शन है, तो मैं 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। मेरा मेल अकाउंट यहाँ खुला है, एक मेल खुला है, तो मेरा एक दिखाई दे रहा है। आपके मोबाइल में 1 या 2 या 3 जितने भी हों वो यहाँ पर शो कर जाएंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर सबसे नीचे सेटिंग का ऑप्शन है, उसमें क्लिक कीजिए। मैंने सेटिंग के ऑप्शन में क्लिक किया, मेरा एक अकाउंट खुला है, इसीलिए मेरे अकाउंट में, मेरे जो मोबाइल में एक ही अकाउंट शो कर रहा है। आपके मोबाइल में जितने खुले हो, यहाँ पर एक मैनेज अकाउंट है, मैनेज अकाउंट पे क्लिक कीजिए, इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। अब हम सेटिंग पे पहुँच चुके हैं। सेटिंग पे पहुँचने के बाद मैं आपको बताता हूँ, अलग अलग मोबाइल में कुछ अलग अलग सेटिंग्स होती हैं। तो आपके मोबाइल में गूगल का ऑप्शन हो सकता है, तो मेरे मोबाइल में गूगल का ऑप्शन ये है, या सिक्योरिटी का ऑप्शन हो सकता है। तो सबसे पहले आप आइए यहाँ पर गूगल, या आपके मोबाइल में सिक्योरिटी का ऑप्शन होगा सिक्योरिटी नाम से, तो आप उस सिक्योरिटी पे जाइए। मैं गूगल पे आता हूँ, मेरे गूगल पे ये मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर आप, यहाँ पर आप देखते हैं गूगल में जो मेरा मेल खुला है यहाँ पर ये है, तो यहाँ से आप क्लियर डाटा कर सकते हैं, जो क्लियर ऐप डाटा है उसे कर सकते हैं। मैं सबसे पहले आता हूँ ये सिंक का ऑप्शन पे, सिंक के ऑप्शन पे आता हूँ। सिंक में आपको ये दिखाई दे जाएंगे गूगल, ये है मेरा गूगल आ चुका है, जो मेरा अकाउंट है यहाँ पर शो कर रहा है। आप इस अकाउंट में आप देखिए मेरा जो अकाउंट है किन किन के साथ लिंक है, तो ऐप्स डाटा के साथ है, कैलेंडर के साथ है, कॉन्टैक्ट के साथ है, ड्राइव के साथ है, और जीमेल के साथ है ही, गूगल फिट डाटा के साथ है, और इतनी चीज़ों के साथ मेरा जो अकाउंट है वो लिंक है। आप यहाँ से किसी चीज़ के अकाउंट के लिंक को हटा सकते हैं जो सिंक है, जुड़ा हुआ है। जैसे मैं कॉन्टैक्ट से अपने अकाउंट को हटाना चाहता हूँ तो मैं हटा सकता हूँ, कैलेंडर से हटाना चाहता हूँ तो यहाँ से हटा सकता हूँ। आप इस पर क्लिक कीजिए और वो हट जाएगा, बहुत ही इजी है। तो यहाँ पर मोर का ऑप्शन है, मैं मोर के ऑप्शन पे आता हूँ। यहाँ पर रिमूव अकाउंट है, तो यहाँ से मैं रिमूव अकाउंट करता हूँ। तो जैसे मेरा ये अकाउंट रिमूव करना है, तो ये मेरा अकाउंट यहाँ से रिमूव हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये मेरा जो पैटर्न है, क्योंकि मैंने सिक्योरिटी डाल रखी थी तो मेरा मांग रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे अपना पैटर्न डाल देता हूँ। और ये मेरा जो अकाउंट है वो रिमूव हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा मेल ये है, और अब मेरे मेल पे कोई भी अकाउंट शो नहीं कर रहा है। तो उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आया होगा, आपने सीख लिया होगा कि अपने मेल को, अकाउंट को किसी फ़ोन से कैसे हटाते हैं, लॉग आउट करते हैं, रिमूव करते हैं। मेरा अकाउंट यहाँ पर हट चुका है, आप भी हटा सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।